इन छोटे छोटे कीड़ों को पानी में उबाल कर देखिए कैसे सिल्क का कपड़ा बनाया जाता है। सबसे पहले सिल्क के कीड़ों को इकट्ठा किया जाता है और इन्हें शहतूत के पत्ते में लगभग 45 दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है, जहां वो इस पत्ते को खाकर अच्छे से बड़े हो जाते हैं। फिर इन्हें इकट्ठा करके लगभग एक सप्ताह के लिए धूप में सूखने के लिए रख दिया जाता है और इसके बाद इन्हें दोबारा इकट्ठा किया जाता है और 15 मिनट तक गर्मा गर्म पानी में उबाला जाता है, जिसके बाद इन कीड़ों के अंदर से धागा निकलने लगता है। एक सिल्क का कीड़ा लगभग 1000 फीट लंबा धागा देता है और फिर इन धागों से कपड़े बनाए जाते हैं, जिसे हम लोग पहनते हैं, और बस एक साड़ी बनाने के लिए लगभग 10,000 रेशम के कीड़ों को मार दिया जाता है।